और आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपी खबर जानकारी में। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी ताजा महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ एक वीडियो में। उससे पहले लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी से होंगी रोडवेज में भर्तियां। पाइपलाइन पेयजल योजना के लिए फ्री जमीन देगी सरकार, योगी कैबिनेट ने 13 प्रस्ताव किए मंजूर। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में समूह ख के खाली पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और समूह ग के खाली पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए भर्ती की जाएगी। योगी कैबिनेट ने आज परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव सहित कुल 13 प्रस्ताव को बाय सर्कुलेशन मंजूरी दी। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि परिवहन विभाग में समूह ख और समूह ग की बड़ी संख्या में पद खाली है। अब समूह ख के पदों पर यूपीपी एससी और समूह ग के खाली पदों पर यूपी ट्रिपल एससी में भर्ती कराई जाएंगी। वहीं कैबिनेट बाइक सर्कुलेशन से यह भी प्रस्ताव मंजूर किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन पेयजल क्रियान्वयन के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जा हटाएं और कब्जेदारों के खिलाफ करें कार्रवाई, योगी का ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि यूपी में अवैध कब्जों के मामले में कार्रवाई करें और जो लोग कब्जा कर रहे हैं या जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करें। दरअसल बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व और डीजीपी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नामांतरण, पैमाइश, वरासत, अधिकार और भूमि उपयोग से जुड़े मामलों के तत्काल निस्तारण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, पैसा देने के नियम को यूपी सरकार ने किया सरल। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने योजना में पात्रों को पैसा देने के नियमों का सरलीकरण कर दिया है। निकाय स्तर पर चयनित होने वाले पात्रों को अब सीधे राज्य मुख्यालय से उनके खाते में पैसा दिया जाएगा। दरअसल बता दें कि मुख्यालय पहले जिलों को पैसा देता था, इसके बाद स्थानीय स्तर पर पात्रों के खातों में पैसा दिया जाता था। इसके चलते पैसा मिलने में काफी समय लग जाता था, लेकिन अब प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अमृत अभिजात ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए नगर विकास अभिकरण यानी सूडा को निर्देश भेज दिया है ताकि बदली गई व्यवस्था के आधार पर पात्रों को पैसा दिया जा सके। सरकार का ये नियम आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यूपी को कृषि उत्पादन में आगे बढ़ाने की योगी सरकार की नई रणनीति, अब कम उत्पादन वाले बुंदेलखंड व पूर्वांचल पर फोकस। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुरू से मंशा रही है कि उत्तर प्रदेश देश का फूड बास्केट बने। इस मंशा के पीछे उनके ठोस तर्क हैं। मसलन इंडो गैंगटिक बेल्ट की सबसे उर्वर भूमि, अलग अलग फसलों और फलों की खेती के लिए 9 तरह की कृषि जलवायु, वर्ष पर्यंत पानी की उपलब्धता वाली गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदियां, सर्वाधिक आबादी के नाते प्रचुर मात्रा में श्रम और बाजार की उपलब्धता आदि। विभिन्न योजनाओं के जरिए योगी सरकार लगातार फसलों की उपज बढ़ाने का प्रयास कर रही है, इसके नतीजे भी निकले हैं। कालिंदी उड़ाने की साजिश में एनआईए की भी हुई एंट्री, 27 संदिग्धों को उठाया, अधिकतर खास समुदाय के युवक। जी हां, कानपुर में शिवराजपुर के मुंडेरी रेलवे क्रॉसिंग के पास बीती रात कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश में एनआईए ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं सोमवार को टीम के कुछ अफसरों ने मौके से सूचनाएं एकत्र कर आला अधिकारियों को भेज दी है। इसके साथ ही आज मंगलवार को मौके का निरीक्षण करने की जानकारी दी गई है। फिलहाल पुलिस ने 27 संदिग्धों को उठाकर पूछताछ की है, इनमें ज्यादातर खास समुदाय के हैं। वहीं एटीएस समेत कई जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। यूपी शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 69,000 की नई मेरिट लिस्ट बनाने का था आदेश। जी हां दर्शकों, बता दें कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसने नए सिरे से आरक्षण के प्रावधान के मुताबिक मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद से राज्य में इस फैसले का फायदा और नुकसान उठाने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट अब 25 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा।
किसानों के लिए होगा आधार जैसी आईडी कार्ड, ये है मोदी सरकार का पायलट प्रोजेक्ट। जी हां, कृषि योजनाओं को आसानी से आम किसानों तक पहुंचाने के लिए आधार जैसा पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसके लिए सरकार देश भर के किसानों का पंजीकरण करेगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की यह योजना 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है। यह जानकारी आज कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने आउटलुक एग्री टेक समिट एवं स्वराज अवार्ड्स के दौरान कही। योजना के तहत अगले 5 मार्च तक 5 करोड़ किसानों का पंजीकरण करने का भी लक्ष्य रखा गया है। बिजली विभाग का करोड़ों रुपए बकाया, अब 1.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के कटेंगे कनेक्शन, जारी हुआ आदेश। जी हां, बड़ी खबर अभी अभी सामने आई है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड के अधिकारी लगातार राजस्व बढ़ाने में लगे हैं। बावजूद इसके यमुना पार की स्थिति बेहद खराब है। यहां 2,99,000 उपभोक्ताओं में 1,56,000 ने कभी बिजली का बिल का भुगतान ही नहीं किया है। इसी वजह से करीब 85 करोड़ रुपए बकाया है। अब इन बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने के लिए अधीक्षण अभियंता ने सभी SDO व JE को निर्देश दिया है। साथ ही लापरवाही बरतने पर भी चेतावनी दी गई है। लिंक एक्सप्रेसवे पर काम हुआ तेज, पूरे प्रदेश में होगा नेटवर्क, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग तैयार। जी हां, पूरा प्रदेश एक्सप्रेसवे के नेटवर्क से जुड़ेगा। इसे लेकर 5 लिंक एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो गया है। मेरठ को जेवर एयरपोर्ट से लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने का फैसला किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे को फरुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा लखनऊ ईवे से जोड़ा जाएगा। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव है। दोहरा खेल ना खेले यूपी सरकार, 69,000 शिक्षक भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले अखिलेश यादव। जी हां, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आए हाई कोर्ट के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया है और जानबूझकर मामले को लटकाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार दोहरा खेल न खेले। इस दोहरी सियासत से दोनों पक्ष के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम भाजपा सरकार ना करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लिख ली नोएडा का अनावरण, 7 साल में विकास और निवेश के नए युग में यूपी, 5,500 करोड़ का निवेश, 9,000 नौकरी। बता दें कि इनका समूह के लिकली का अनावरण प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। इस मौके पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, स्वीडन के राजदूत जान थेसलेफ, इनका सेंटर्स के वैश्विक विस्तार और विकास निदेशक सेबेस्टियन हाई लिविंग और आइकिया इंडिया की CEO और मुख्य सस्टेनेबिलिटी अधिकारी सुजैन पुलवर उपस्थित रहे। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअल जुड़े। उन्होंने कहा कि नोएडा में लिकली का उद्घाटन उत्तर प्रदेश को आधुनिक शहरी जीवन का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सहित देश भर में गंभीर बीमारी के दवाओं के घटेंगे दाम, नमकीन स्नैक्स होंगे सस्ते, GST काउंसिल बैठक के 10 बड़े फैसले। जी हां, GST काउंसिल की 54वीं बैठक आज राजधानी के सुषमा स्वराज भवन में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। इनमें गंभीर बीमारी की दवाओं पर GST में कमी, नमकीन पर टैक्स घटाना और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST में कमी पर विचार करने के लिए समिति का गठन शामिल है। बता दें तो बैठक में गंभीर बीमारी की दवाओं पर GST को 12% से घटाकर 5% करने के फैसले का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गंभीर बीमारी के इलाज को और अधिक किफायती बनाना है। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ सकता है फैसला, मनमानी करेंगी बिजली कंपनियां। बता दें कि अब वर्ष में नहीं बल्कि प्रतिमाह बिजली महंगी सस्ती हो सकती है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग बिजली कंपनियों को प्रत्येक माह स्वतः फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज तय कर लागू करने का अधिकार देने जा रहा है। इसके लिए मौजूदा नियमों में संशोधन करने के लिए नियामक आयोग 19 सितंबर को जन सुनवाई करेगा। दरअसल वर्तमान में 3 माह में फ्यूल सरचार्ज तय करने की व्यवस्था तो है, लेकिन उसे उपभोक्ताओं पर लागू करने से पहले बिजली कंपनियों को नियामक आयोग से मंजूरी लेनी होती है। ऐसे में फ्यूल सरचार्ज संबंधित प्रस्ताव सुनवाई के दौरान ही नियामक आयोग में लटक जा रहे हैं।
एससी एसटी आयोग में अब 65 वर्ष के बाद भी हो सकेंगे नामित। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने दी मंजूरी। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पद पर 65 वर्ष के बाद भी तैनाती हो सकेगी। अधिनियम में दी गई अधिकतम आयु सीमा की शर्त हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। अब शीघ्र ही प्रदेश सरकार इस संबंध में अध्यादेश जारी करेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती केस में सबके हित वाला विकल्प चुने यूपी सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोली अनुप्रिया पटेल। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपना दल की मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी टिप्पणी की है। जी हां, अखिलेश यादव के बाद अब अनुप्रिया पटेल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर अस्थायी रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई में दोनों पक्षों से मामले के संबंध में अपनी दलीलें पेश करने के लिए कहा है। जहां तक अपना दल का सवाल है तो पार्टी इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। 1.5 करोड़ से भरेंगे 112 सड़कों के 500 गड्ढे, मरम्मत के लिए शासन से जारी हुआ बजट। जी हां, बारिश से बदहाल हो चुकी सड़कों की मरम्मत के लिए शासन से बजट जारी हो गया है। अलीगढ़ में जीटी रोड, क्वारसी, एटा, चुंगी बाईपास सहित 112 सड़कों की मरम्मत का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। दरअसल बारिश के चलते हाईवे, जीटी रोड समेत शहर से लेकर देहात की कई सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने इनकी मरम्मत के लिए प्रस्ताव मांगे थे। जिले से 112 सड़कों का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। राज्य कर्मचारी 25 अक्टूबर को लखनऊ में देंगे धरना, अभी तक सुनवाई न होने से नाराज। दरअसल बता दें कि राज्य कर्मचारी की मांगों पर शासन स्तर पर कोई सुनवाई न होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। इसके विरोध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 25 अक्टूबर को लखनऊ में धरना देने का फैसला लिया है। यह फैसला परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी की अध्यक्षता में आज हुई पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक में हुआ। तिवारी ने कहा कि अधिकारी संगठन के पदाधिकारियों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। पीएम आवास के लाभार्थियों से न लिए जाएं आवेदन, ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिलाधिकारियों से जानिए ऐसा क्यों कहा। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सर्वेक्षण कर आवास प्लस सूची में शामिल करने पर किसी तरह के आवेदन या फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सर्वेक्षण के बाद अगर कोई लाभार्थी छूटता है तो वह आवेदन पत्र देकर अपना नाम जुड़वा सकता है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने आज सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़ने के लिए आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 की शुरुआत की जा रही है, जिनमें लाभार्थियों का सर्वे कर नाम जोड़े जाने हैं। लेकिन उनके संज्ञान में आया है कि लाभार्थियों से प्रार्थना पत्र लिए जा रहे हैं या फिर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस रास्ते में हुई खराब, दूसरी ट्रेन से भेजे गए यात्रियों को। जी हां, नई दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस आज सुबह तकनीकी खराबी के कारण अचानक रास्ते में ही खराब हो गई। इटावा जिले के भरथना और सामोह के बीच ट्रेन रुक गई है। ट्रेन के खराब होने के बाद यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी संख्या 22436 नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई है। उन्होंने बताया कि यह गाड़ी भरथना सामो के बीच तकनीकी खराबी के कारण रुक गई है। इसके बाद एक राहत इंजन पहुंचा और गाड़ी को भरथना स्टेशन पर लाया गया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से बड़ा झटका, दो पैन मामले में अर्जी हुई खारिज, बाप बेटे पर 10,000 का जुर्माना। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के विरुद्ध दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई हुई। इसमें दो प्रार्थना पत्रों पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने उन्हें खारिज कर दिया है। साथ ही बचाव पक्ष की ओर से बार बार प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे की सुनवाई में विलम्ब करने पर आजम खान और अब्दुल्ला पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस किसी की जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती, अखिलेश के आरोपों से यूपी डीजीपी ने किया इनकार। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर में लूट के एक मामले के आरोपी मंगेश यादव की पुलिस से मुठभेड़ में मारे जाने पर विपक्ष के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने सफाई दी है। प्रशांत कुमार ने अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा, पुलिस किसी की जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती। दरअसल समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पुलिस जाति देखकर अपराधियों को मुठभेड़ में निशाना बनाती है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसानों के हक में सुनाया फैसला। जमीन से बाढ़ हटाने के निर्देश से यमुना प्राधिकरण को लगा झटका। बता दें कि नोएडा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के लिए कथित भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दायर एक रिट याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसानों के हक में फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को याचिकाकर्ता किसानों की जमीन से बाढ़ हटाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक उक्त भूमि का या तो अधिग्रहण नहीं कर लिया जाता या फिर जमीन खरीद नहीं ली जाती, तब तक उस पर बाढ़ नहीं लगाई जाए। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज, अपराध, अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति, मायावती का हमला। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने सुल्तानपुर मुठभेड़ को लेकर भाजपा और सपा दोनों पर ही निशाना साध दिया है। मायावती ने कहा कि दोनों ही दल अपराध, अपराधियों और जाति पर अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं, जबकि इन मुद्दों पर उनका रुख एक जैसा है। सुल्तानपुर मुठभेड़ में मंगेश यादव के नाम के व्यक्ति के चल बसने के बाद सपा ने आरोप लगाया था कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी, जबकि भाजपा ने उस पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया था। झांसी हार पर अखिलेश का 3.5 घंटे मंथन, नेताओं से पूछा कैसे हार गए, दो को हड़काया, एक को डांट कर बैठाया। दरअसल बता दें कि झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर इंडी गठबंधन की हार के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पहली बार समीक्षा बैठक की। लखनऊ पार्टी कार्यालय में 3.5 घंटे तक नेताओं से बात की, एक एक बूथ का हाल तक जाना, नेताओं से पूछा मजबूत स्थिति होने के बावजूद चुनाव कैसे हार गए। अखिलेश ने दो नेताओं को हड़काया भी, एक पदाधिकारी ने नेता का पक्ष लिया तो अखिलेश गुस्सा भी हो गए, उनको बैठने की हिदायत दे दी। एक नेता ने अखिलेश से कहा कि वह अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अखिलेश ने इस पर भी नाराजगी जाहिर की है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को यूपी सरकार दे रही सीधी भर्ती। बता दें कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करते हैं कि शरीर माधम खलु धर्म साधनम, यानी कि धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हैं। स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद, योगासन, प्राणायाम आदि क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्वस्थ शरीर ही समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को भी साकार करता है। ये उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। उन्होंने 73वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करती हुई यह बात कही। महोबा में सपा सांसद के बेटे समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज, जानिए क्या है मामला। जी हां, यूपी में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह के बेटे मनवेंद्र सिंह और दरोगा के बीच तीखी नोकझोंक के बाद महोबा पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने आज सांसद के बेटे और प्रतिनिधि समेत 3 लोगों के खिलाफ धन उगाही और बलवा करने जैसे समेत तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यूपी में मनबढ़ों ने फायरिंग कर आर्केस्ट्रा डांसरों को किया अगवा, पुलिस ने 6 को दबोचा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आज आधी रात में 2 लग्जरी कार से पहुंचे आधा दर्जन मनबढ़ों ने फायरिंग कर दहशत फैलाकर आर्केस्ट्रा की नर्तकियों का अपहरण कर लिया है। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस ने पूरे जिले में चेकिंग शुरू करा दी। भोर में दोनों लग्जरी गाड़ियां पकड़ ली गई, नर्तकियों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कानपुर में ग्रीनफील्ड 4 लेन के लिए जमीन अधिग्रहण करेगी सरकार, सर्वे हुआ पूरा, जमीन हुई चिन्हित। जी हां, बता दें कि चकेरी पाली मार्ग पर ग्रीनफील्ड 4 लेन के लिए जमीन अधिग्रहण की रूपरेखा तैयार हो गई है। राजस्व विभाग ने छतमारा में सर्वे के बाद 17 काश्तकारों से जमीन चिन्हित कर ली है। लेखपालों ने जमीन अधिग्रहण से संबंधित रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग को सौंप दी है। जल्द ही छतमारा में किसानों से जमीन खरीदने और रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाया जाएगा। बुलडोजर के एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुझावों का मसौदा पेश करेगा जमीयत उलेमा हिंद, वकीलों ने की तैयारी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जमीयत जल्द ही अपने सुझावों का मसौदा अदालत में पेश करेगी। जमीयत के वकीलों ने अदालत द्वारा नियम और विनियम निर्धारित करने के लिए मसौदे में कई महत्वपूर्ण सुझाव दर्ज किए हैं। आज मीडिया में जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि भाजपा शासित प्रदेशों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर हस्तक्षेप मांग की थी।
पूर्वी यूपी को उमस से मिलेगी निजात। अगले चार दिन गरज चमक के साथ बारिश के आसार। 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जी हां, पूर्वी यूपी को जल्द ही उमस से निजात मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण बने चक्रवाती सिस्टम का पूर्वी यूपी पर आंशिक असर रहेगा। पूर्वी यूपी में हल्के काले बादल छाए रहेंगे। वहीं अगले चार दिनों तक पूर्वी यूपी में बारिश के आसार हैं। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्के छींटे पड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।